बिहार की परिवहन मंत्री सुशीला कुमारी मधेपुरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल नजर आया। मधेपुरा आने पर शीला मंडल ने सबसे पहले समाजवादी नेता भूपेंद्र नारायण मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद शीला मंडल ने सुभाष चंद्र बोस और शहीद सदानंद की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। साथ ही परिवहन मंत्री शीला मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं शीला मंडल ने बताया कि मधेपुरा से लंबे समय से उनका रिश्ता रहा है। शीला मंडल ने बताया कि मधेपुरा से उनका पारिवारिक संबंध भी है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से उनके पति मधेपुरा में ही नौकरी करते हैं। और जहां तक मधेपुरा की बात है तो ये यहां से हम पहले भी हम 4-5 साल से यहां रहते थे और यहां के हर कण से, धूल मिट्टी से और यहाँ के लोगों से हम बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत लगाव था। और हमारे हस्बैंड यहीं पर पोस्टेड हैं, तो हमने सोचा कि चलो, परिवार के होली जैसा महान पर्व है और इस पर्व में लोग सब कोई अपने परिवार के पास जाते हैं, तो हम भी इसी मकसद से अपने परिवार के पास होली मनाने के लिए आए। वहीं परिवहन मंत्री शीला देवी ने प्रसिद्ध शिव मंदिर सिंहेश्वर धाम में भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। शीला मंडल ने इस मौके पर स्थानीय लोगों की मांग पर सिंहेश्वर में बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा की है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बताया कि सिंहेश्वर मंदिर में उनकी आस्था रही है, इसीलिए वो मौका मिलने पर यहां महादेव की पूजा करने जरूर आती हैं। अभी हम मधेपुरा में हैं तो और यहां के भी जो जितने लोग हैं उनको भी मैं बधाई देती हूँ। और कार्यक्रम तो ऐसे कुछ नहीं था, यहाँ पे पहले भी हम रहते थे, इसलिए यहाँ आए। हम सिंहेश्वर बाबा के हमको पूजा करना था, इस मकसद से ही यहाँ आए। क्या मांगे भगवान भोले से? जरूरी तो नहीं कि हर जगह लोग मांगे ही तभी कुछ मिले। वो तो महादेव हैं, देवों के देव हैं, वो सबकी मन की बात समझते हैं, वो समझदार हैं और देख ही रहे हैं कि महादेव की तुलना तो पूरी सृष्टि उनकी है, तो उनसे सब कुछ तो उन्हीं का है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी मंडल को मधेपुरा में सरकारी बसों की सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए, इससे कोसी के लोगों को यातायात के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट।